सोलन के कंडाघाट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल की परिकल्पना को साकार करने के लिए शिमला लोकसभा क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र कश्यप की अगुवाई में एक स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत कंडाघाट से कुफरी तक 60 किलोमीटर लंबे मार्ग एवं आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर 30 टुकड़ियों ने सफाई की। इस अभियान में स्कूली छात्रों, स्थानीय लोग, युवाओं, ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वच्छता अभियान में विशेष रूप से प्रदेश खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया, भाजपा नेता डॉक्टर राजेश कश्यप, पवन गुप्ता, कुमारी शीला ने भी भाग लिया। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक है। आज एकांतम मानववाद की सोच को जन जन तक पहुंचाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस है। उन्होंने कहा कि देश भर में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2018 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान के माध्यम से न केवल देश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता की दिशा में जागरूक बनाना चाहते हैं, अपितु स्वच्छता को जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए नागरिकों को प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अभियान देश व प्रदेश को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने में सहायक सिद्ध होगा। हम आज सारे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, और खास करके यहाँ पर आज हम कंडाघाट से कुफरी, जो लगभग 60 किलोमीटर का जो है क्षेत्र है, सड़कों पर जो कचरा है, किसी भी प्रकार का पॉलीथीन है, रैपर है, कागज है, दूसरी चीजें हैं, उसको जो है आज हम यहाँ पर लगभग 30 विभिन्न स्थानों पर जो है टीमें जो है वो काम इस वक्त सुबह 9 बजे जो है उन्होंने काम शुरू कर दिया है। आज हमारे कंडाघाट में भी, चाहे वो व्यापार मंडल है, दूसरी अन्य संस्थाएं हैं, कुछ जो हमारे स्कूलों के और जो यहाँ की लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं सरकारी, वो भी आज इस काम में जो है, इस शुभ दिन पर जो है वो आज इसका शुभारंभ जो है कंडाघाट बाजार से हम इसको कर रहे हैं। और मुझे खुशी होगी कि इसी तरह से हम दिन प्रतिदिन, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अगर हम हर रोज 15 मीटर के दायरे में स्वच्छता का काम शुरू करेंगे तो यहाँ पर गंदगी फैल ही नहीं सकती है।